गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप कि सभी बढ़िया होंगे भाई, अपने अपने घर पे फुल मौज मस्ती कर रहे होंगे। सो भाई, मेरा पार्ट सेकंड आ गया एक्सपो का, और कुछ ऐसा स्वागत किया है ओल नंबर 6 में आते ही हमारा स्कॉर्पियो एन के लुक से। अभी मैं इस व्लॉग को ऐसे ही रो डालने वाला हूँ, बिल्कुल कोई फालतू एडिटिंग नहीं, जनरलाइज जो मैं देख रहा हूँ सेम वही चीज़ें आपको एज इट इज शो करने वाला हूँ। ये यहाँ पे थार महिंद्रा की तरफ से XUV 700 प्रीमियम SUV महिंद्रा की तरफ से, जो कि अपने पास भी है वो तो अपनी वीडियो में दिख जाएगी। और ये XUV 400 एंड मोस्ट अवेटेड महिंद्रा की तरफ से लॉन्च होने वाली बहुत जल्दी एक इलेक्ट्रिक ऑफ रोडिंग कार। कुछ ऐसा सा इसका साइड लुक रहने वाला है, कुछ रियर प्रोफाइल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी रियर प्रोफाइल रहने वाली है भाई, इंडियन मार्केट में एक अलग ही रेवोल्यूशन लेके आने वाली है गाड़ी अगर लॉन्च कर देती है तो महिंद्रा। मे बी 2025 तक ये लॉन्च कर देगी महिंद्रा। और ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक XUV 400 300 का ही लेटेस्ट वर्जन है ये भाई। यहाँ पे Hyundai की क्रेटा, जिसका इंडियन शो काफ़ी क्रेज रहता है, यहाँ पे बिल्कुल न्यू ही जो इसका वर्जन आया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से पिछला डोर लॉक है, यहाँ पे आपको कर्टेंस मिल जाते हैं जो कि क्रेट आपको देती है कभी से। बाकी यहाँ पे रियर वेंट्स, कुछ ऐसा स्पेस है, और पैनोरमिक रूफ मिल जाता है। सनरूफ भी बढ़ा दिया क्रेटा की। फ्रंट लिफ्ट फेस लिफ्ट रहने वाली है, जो कि अभी इंडियन मार्केट में स्टार्ट हो गई है आनी, बुकिंग्स एंड डिलीवरी भी। बाकी आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा ही फील ले रहे हैं लड़के यहाँ पे, शायद इनका सपना होगा भाई ये खरीदने। और ये है Hyundai के नेक्सो, जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है भाई, ये भी Hyundai जल्दी लॉन्च करने वाली है। Hyundai की तरफ से ये मार्केट में कुछ नया हटके कॉन्सेप्ट होने वाला है, फ्यूल सेल, जो कि एक अलग ही हाइब्रिड वर्जन है, जिसको बोलते हैं नितिन गडकरी जी की, आपके सुननी होगी काफ़ी की हाइब्रिड। तो भाई ये है वो हाइब्रिड, इस तरीके की कुछ रहने वाली है। इस गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी प्रीमियम सा है, मर्सिडीज BMW टाइप। और ये आप डोर हैंडल्स भी देख सकते हैं कैसे ओन होते हैं, निकलते हैं। और यहाँ खड़े हैं अशोक लेलैंड की तरफ से इलेक्ट्रिक बस और कार, जो कि न्यूली लॉन्च है। ऐसा प्रीमियम सा आपको इंटीरियर दिखता है, ये साइड प्रोफाइल रहने वाली है भाई बस की। चलते हैं आगे अपनी कार की तरफ, मेन फोकस अपना कार्स पे है भाई। ये प्योर इलेक्ट्रिक कोमेट, जो कि महिंद्रा की तरफ से काफ़ी पहले ही इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दी गई थी, लेकिन इतना खास रिजल्ट है नहीं इसका। और ये भाई MG हेक्टर, जिसका नया फेसलिफ्ट आया है और बहुत सारे नए फीचर्स के साथ है, अभी लॉन्च हुई है। एडास इसमें आ जाता है, आपको पीछे एडास की बैजिंग दिख जाती है। बाकी कुछ मैं आपको इंटीरियर दिखाऊं तो इसका ऐसा कुछ इंटीरियर है। डायनामिक रूफ के साथ ये गाड़ी आती है। और यहाँ पे भाई फॉर्चुनर से भी कुछ ना कुछ ज़्यादा कैपेबल MG की ग्लोस्टर।
40 लाख के अराउंड ये गाड़ी मार्केट में आती है और बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोडिंग एंड लग्जरी एसयूवी ये कार आपको परफॉर्म करती है। टायर का साइज देखो भाई, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। ये कुछ लुक है, बस एमजी को इसमें थोड़ा सा लुक चेंज करने की जरूरत है क्योंकि काफ़ी ओल्ड स्कूल लगता है यार अभी के टाइम में। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ओडी या बीएमडब्ल्यू की करानी है। कुछ एक्सरसाइज का इंटीरियर मैं आपको दिखा दूँ तो पैनोरमिक रूफ इसमें आ जाता है। क्रेटा एंड सेल्टोस की टक्कर की अगर ये इंडियन मार्केट में कहने को आए तो गाड़ी एडास फीचर के साथ आ जाती है। कुछ ये वो कराउंड है इस गाड़ी का। गाड़ी आ जाती है अपनी मारुति की, इंडियंस का भरोसा मारुति हमेशा। सीसी ग्रैंड विटारा जो कि रोड पे चलती है वही सेम प्रोफाइल। और ये ब्रेजा जो अभी कुछ टाइम पहले ही न्यू लॉन्च हुई थी। बाकी यहाँ आ जाती है अपनी इनविक्टो जो कि इंडियन मार्केट में काफ़ी कम ही देखने को मिलती है मारुति की तरफ से। ये एक्चुअली इनोवा की टक्कर की गाड़ी है। जो टोयोटा एंड मारुति का कोलैब हो रखा है उसमें इस गाड़ी का सेगमेंट बनाया गया था। और फिर यहाँ आ जाते हैं भाई, मारुति ने क्या निकाल दिया वो, ये मेरे लिए भी भाई कुछ नहीं। बाकी मैं इसको देखता हूँ, नाम वगैरह कहीं लिखा नहीं है इस गाड़ी का। ये भाई मारुति सुजुकी टीवीएक्स जो कि अच्छी खासी डायमेंशन और 550 ड्राइविंग रेंज बैटरी में जो इसकी रेंज है चलने की भाई 510 किलोमीटर की है। यहाँ पे साइड में आपको इसको पावर आउटलेट मिल जाता है, कुछ ऐसे से एलॉय है जो कि एमजी ने काफ़ी पहले निकाल दिए थे मार्केट में। मारुति भाई इस चीज़ में काफ़ी पीछे चल रही है टेक्नोलॉजी के मामले में। ये एक्सेल 6 है आपके सामने मारुति की टैक्सी, और ये वैगनार भाई जिसकी वजह से मारुति जानी जाती है। इसका भी अभी इलेक्ट्रिक वर्जन मारुति लॉन्च कर रही है, उसी को यहाँ पे दिखाने के लिए लगाया गया है। और कुछ ये रहने वाली है भाई मारुति की फ्रॉक्स। इस गाड़ी ने कुछ मार्केट में अपना दबदबा बनाया है ठीक ठाक रेंज में क्योंकि फीचर्स के साथ इसमें डिज़ाइन भी इम्प्रूव किए गए हैं जो कि मारुति को टाइम टू टाइम हर गाड़ी में कर देना चाहिए अपनी। अगर ये खुलती होगी तो कैसा सा इंटीरियर है इस गाड़ी का। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल रहता है। बाकी बेज कलर में इसका इंटीरियर कुछ आता है, ड्यूल टोन में है। यहाँ आ जाती है भाई मारुति की द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मिनी एसयूवी, जिमनी इसको प्यार लोग से कहते हैं। जिप्सी का लेटेस्ट वर्जन जो कि मारुति ने लॉन्च किया था ये अभी कुछ टाइम पहले, थार भी कम्पीट में ही निकाला था मार्केट में। कुछ यहाँ पे एसएसआई इसको शो किया गया है ऑफ रोडिंग में पत्थर वगैरह लगा के, और सामने टेंट लगा रखा है ताकि आप माउंटेंस वगैरह में जाएँ तो इस गाड़ी की आपके प्लस पॉइंट दिखे। ओवरऑल ये गाड़ी भाई काफ़ी अच्छी है, थार काफ़ी हैवी सी हो जाती है। अगर किसी हल्के फुल्के दुबले इंसान को अगर गाड़ी परचेज करनी हो 4x4 में तो मारुति जिमनी उसके लिए काफ़ी परफेक्ट गाड़ी साबित होती है। और 5 डोर के साथ आपको यहाँ ये ऑप्शन मिलता है भाई। भाई ये क्या देख लिया मैंने, टोयोटा की हाइलैक्स भाई, बिल्कुल ही एक अलग कॉन्सेप्ट में भाई ये गाड़ी दो। रैपिड इंटरवेंशन क्या कर रही है भाई ये टोयोटा हाइलैक्स का, क्या लुक आ रहा है भाई इस गाड़ी का। कुछ ऐसा सा ताम जाम इसमें फायर ब्रिगेड वालों के लिए लगाया गया है।
ऊपर आपने देख लिया होगा स्टेयर्स वगैरह एंड और सारे इक्विपमेंट्स हैं इसमें अटैच्ड। हाइलेक्स को पीछे से मॉडिफाई करके ये सब चीज़ें इसमें ऐड की गई है और अंदर से भाई वही प्रीमियम था। आ जाती है भाई द मोस्ट अंडररेटेड लेक्सस। दूसरे देशों में काफ़ी दबदबा है इस कार का लेकिन इंडियन मार्केट में ज़्यादा इसको वोल्वो की तरह ही अंडररेटेड कर रखा है। बाकी कुछ ऐसा ऐसा लुक है भाई, BMW और मर्सिडीज को फेल कर देती है ये गाड़ी। सेफ्टी के साथ साथ पावर एंड फीचर्स लोडेड रहती है ये गाड़ी। बाकी यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको लेक्सस की एक नई इलेक्ट्रिक। UX300E करके ये गाड़ी यहाँ पे मार्केट में लॉन्च होने वाली है। अब ये पता नहीं कि मार्केट कब तक इसको सपोर्ट कर पाएगी। तो भाई ये था अभी तक का यहाँ का ओवरऑल व्यू जो कि मारुति लेक्सस एंड महिंद्रा को मैंने आपको यहाँ शो किया है एंड टोयोटा ऑल्सो। ये टोयोटा की अर्बन क्रूजर यहाँ पे एक गाड़ी जो रह गई थी कवर करनी। बाकी इधर भी कुछ शायद दिख रहा है मेरे को भाई। यहाँ पे ब्रीफ में टोयोटा ने अपना इनोवा का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है, टोयोटा इनोवा हाई राइडर कुछ ऐसे प्रोवाइड कराते हैं भाई अपनी मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ जाती है भाई टोयोटा की ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मिराई नाम से, कुछ बैंकॉक जैसा ही नाम लग रहा है इसका। तो पावर्ड बाय एथेनॉल। ये कुछ इनोवा हाई ग्रोस का एक अलग ही हाइब्रिड फ्यूल में आने वाला इंजन है जो कि मार्केट में हमें देखने को मिलेगा टाइम से ही होप सो। ज़्यादा लेट ना करे टोयोटा इसको। बाकी इधर बाइक्स वगैरह का एग्जीबिशन लगा भाई जो कि मेरे चैनल पे ज़्यादा कुछ पॉपअप होता नहीं है। फिर अभी यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने आपको कवर करके सारी चीज़ें दिखा दी है। बाकी चलते हुए वॉक अराउंड दे देते हैं, ये आपको यहाँ पे मारुति का दिख जाएगा। यहाँ एक्सपो से लास्ट में वरना की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो कि इंडियन मार्केट में काफ़ी सही फेवरेट कार रही है। क्रेटा और वरना इन दोनों का भाई एक अलग ही फैन रहा है।